अब सेक्शन डी का क्वेश्चन 36 देखिए, जो इंटीग्रेशन से दे रखा है 0 to pi log 1 plus cos x dx। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे 0 to a f(x dx) बराबर होता है 0 to a f of a minus x dx। तो यहां पर जब ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0 to pi log 1 plus cos pi minus x, और cos pi minus x, पाई माइनस मतलब यहां सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos होता है नेगेटिव। सो 0 to pi log 1 minus cos x dx, दिस इज आल्सो आई। इसको आप मान ले फर्स्ट, इसको आप मान ले सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी i + i = 0 to pi log 1 plus cos x plus log 1 minus cos x, दोनों को ऐड कर दिया और dx। log m plus log n बराबर होता है log mn के, तो ये बन जाएगा 2i = 0 to pi log 1 plus cos x into 1 minus cos x dx। बताएंगे बिकॉज log mn = log m plus log n, दिस इज द टर्म। अब a + b into a minus b बराबर होता है a² - b² के, तो 1 - cos² x बन जाएगा, और 1 - cos² x होता है sin² x के, तो ये बन गया sin² x dx, बिकॉज 1 - cos² x इज sin² x। अब लॉग में फंक्शन की पावर आगे आ जाएगी 0 to pi log sin x dx। यहां पर है 2i, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो i = 0 to pi log sin x dx। यहां पे हमारे पास आ गया 0 to pi log sin x। अब ये भी आपका एक प्रॉपर्टी हम यहां यूज करेंगे 0 to pi log sin x, इंडिपेंडेंटली अपने आप में भी क्वेश्चन आ जाता है, यहां से भी ये क्वेश्चन है और एक स्टेप के बाद भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब यहां एक और प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, यहां पे बता देना बिकॉज log m की पावर n = n log m, तो वो 2 कहां आ गया? आगे आ गया। अब यहां हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आप बताइए कि साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स के बराबर होता है। 0 to 2a f(x dx) बराबर होता है 0 to a f(x dx) के इफ f2a minus x जो है वो f(x) के बराबर हो। मतलब यदि f2a minus x यानी pi minus x रखें तो वापस फंक्शन बन गया, तो लिमिट का 2 आप आगे ले सकते हो। तो यहां पे ये बन जाएगा i = 0 to pi by 2 log sin x dx। और अब इसको मान लो आप i1, 0 to pi बाई टू लॉग साइन है। ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहां फिर से हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहां पर आ गया जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, सो जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज आई वन। इसको नाम दो फोर्थ। अब फिर से आप थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां हो जाएगा आई वन प्लस आई वन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम एन के। तो यहां हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। आप पूछें सर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहां हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। तो टू साइन एक्स कॉस एक्स बन गया साइन टू एक्स और नीचे टू है। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स माइनस लॉग टू डी एक्स, दिस वन। और अब आप यहां पर देखें तो दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे, जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स माइनस लॉग टू तो कांस्टेंट है, वन एक्स का हो गया, वन का हो गया एक्स, जीरो टू पाई बाई टू। और इसको आप मान लो आई टू, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज 2i1 इज इक्वल टू, इसको मान लिया i2 माइनस लॉग 2 पाई बाई टू। काफी टिपिकल सा हो रहा है बट i2 को यहां लें आप, तो 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन 2x। अब आप क्या करो कि यहां इस log साइन 2x को ना, इस log साइन 2x को पुट करो, तो इस 2x को क्या करें आप पुट करें, या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो, मानने की कोई जरूरत नहीं, यहां पे एक स्टेप में हो जाएगा। जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस पाई बाई टू लॉग। अब यहां 2x को पुट कर दो आप t, तो यहां 2dx इज इक्वल टू डी टी विच इंप्लाइज dx इज इक्वल टू डी टी बाई टू। अब हमने फंक्शन को चेंज किया है तो लिमिट्स भी बदलेंगी। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो तो t भी क्या होगा जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई टू तो t बन जाएगा पाई। ये बन गया 2i1 इज इक्वल टू जीरो टू पाई लॉग साइन t dt माइनस पाई बाई टू लॉग टू। अब आप समझे कि जीरो टू पाई ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे फिर से यहां पर, तो सेम साइन पाई माइनस टी साइन टी बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां फिर से यूज कर सकते हैं, यहां हो जाएगा टू जीरो टू पाई लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई टू लॉग टू, हियर इट इज टू आई वन, यहां पर है पाई बाई टू। अब आप यहां ध्यान से देखें तो हम यहां पर आपका वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो यहाँ वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल को चेंज करने पर वैल्यू क्या आएगी ज़रा देखिए। यहाँ पर वी नो दैट 0 to a f(x dx) को हम लिख सकते हैं 0 to a f(t dt). मतलब हम थ्रू आउट किसी भी इंटीग्रल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ देखें तो dt/2 आएगा, तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2i1 = 0 to π/2 log, मैं x में चेंज करना चाहता हूँ तो dx - π/2 log 2। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये यही टर्म है, मतलब i1 के बराबर है। तो इसकी जगह i1 और इसको इधर ले आएंगे - π/2 log 2, यानी i1 को सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है - π/2 log 2। और i1 को हमें सब्सटीट्यूट कहाँ करना है, i1 को हमें सब्सटीट्यूट करना है आपका यहाँ पर, दिस इज i, इसको i1 माना था हमने तो यहाँ पे रखेंगे। सो i = 2 - π/2 log 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, i = -π log 2। दिस इज बेसिकली अवर इंटीग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप यहाँ समझें काफ़ी सारे स्टेप्स कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर आप बोलें सर हम इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो आप इसको 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद यहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन 33 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला y = x² एंड y = मॉड्यूलस ऑफ x यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को यूज करके इन कर्व्स के बीच में एरिया क्या बनेगा वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कर्व प्लॉट करते हैं कि ये कर्व किस तरीके के हैं। आप देखें तो गिवन कर्व्स आर y = मॉड्यूलस ऑफ x and y = x²। तो इसको हम ध्यान से देखें तो ये तो हमारा क्या है, एक पैराबोला है एंड दैट इज अ अपवार्ड पैराबोला। बट जब इस मॉड्यूलस x को हम ब्रेक करेंगे सो y = जब x <0 होगा तो मॉड्यूलस ब्रेक होगा -x में, और जब x > 0 होगा तो ये ब्रेक होगा x में। आप इसको ऐसे समझें कि मॉड्यूलस का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। जब x <0 है यानी अंदर से वैल्यू आएगी नेगेटिव, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस लगा दिया। और जब x <0 है तो अंदर से ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है तो उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हम यहां बनाते हैं इसका ग्राफ, ग्राफ ऑफ y = मॉड्यूलस x। कुछ पॉइंट्स आप ले लें, x को -1 लेंगे तो y आएगा 1, x को 0 लेंगे तो y भी 0, x को 1 लेंगे तो y आएगा 1। और इसका ग्राफ तो बनाना इजी है। आप समझें x² = y इज एन अपवार्ड पैराबोला, और मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 1 है आपका। तो पहला पॉइंट है -1,1 यानी यहाँ पे कहीं होगा, और दूसरा पॉइंट 0,0 तो लाइन ऐसे पास होगी, और 0,1,1 यहाँ पे होगा कहीं इस तरीके से। आप ध्यान से देखें तो एरिया कौन सा बन रहा है, ये एरिया बन रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और मैं निकाल लेता हूं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, तो आप देखें टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x है, एक बार तो x एक बार y, यहां पे हमने y की वैल्यू x स्क्वायर रख दिया, x की वैल्यू यहां रख दो इज x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज जीरो और या फिर x इज इक्वल टू वन होगा। जब हमने कर्व को लिया है x और आप इसको माइनस एक्स लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर दो वैल्यूज आ गई, एक तो x वन पर जीरो पर और माइनस वन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब x जीरो है तो y भी क्या होगा, जीरो होगा। व्हेन x इज वन, जब x वन है तो y भी क्या होगा, वन। और व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन तब भी जो y है वो क्या होगा, वो वन होगा। अब रिक्वायर्ड एरिया है ये, दिस इज, इसको नाम दे दो कुछ O A B एंड C D, ये है। अब या तो आप इसको दो बार में निकालो या फिर ये वाला O A O B A एरिया निकाल लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों तरफ सेम एरिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू यहां एक्स जीरो से वन, एक्स जीरो से वन, पहले हम लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे, सो वाई ऑफ लाइन dx माइनस जीरो टू वन, और फिर लाइन के नीचे ये पूरा एरिया मिल जाएगा और फिर मैं कर्व के नीचे वाला एरिया उसमें से माइनस कर दूंगा तो ये एरिया बच जाएगा। सो वाई ऑफ कर्व dx, और जो भी पूरा एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आपका इसका एरिया मिल जाएगा। या फिर आप यहां पे लिख दो अभी फिलहाल के लिए एरिया ओ बी ए, ये मिल जाएगा। यहां पे लिमिट्स एक ही बार ले लो, जीरो टू वन, वाई ऑफ लाइन माइनस वाई ऑफ कर्व dx। अब इसको समझना, यहां एक पॉइंट है कि जब आप लिमिट जीरो से वन ले रहे हो, जीरो से वन यानी कि x से बड़ी वैल्यू, तो कर्व क्या है x, और y ऑफ कर्व तो सिंपल है दैट इज x स्क्वायर dx। अगर आप यहां से यहां निकालते तो लिमिट होती माइनस वन से जीरो, उस केस में y ऑफ लाइन होता माइनस एक्स। तो इस पॉइंट को माइंड में रखना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से वन, यहां पे आ गया वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री एंड दैट इज सिक्स, थ्री माइनस टू इज वन बाई सिक्स। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू टू इंटू एरिया ओ ए बी यानी टू इंटू वन बाई सिक्स एंड दैट इज वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो शेडेड एरिया है हमारे पास वो वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स यहां पर आ जाएगा। इसको आपको थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा कि इस मॉड्यूलस को पहले ब्रेक करना है, ग्राफ बनाना है और माइंड में उसका एक रफ स्केच प्लॉट करते ही आप इसका एरिया निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन 33 के और वाला पार्ट देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। दो कर्व हमें दे रखे हैं और वो कह रहा है इनके बीच में जो स्मॉलर पार्ट बनता है उसका एरिया निकाल दो। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि एरिया कौन सा निकालना है। तो हम लिखेंगे द गिवन कर्व्स आर, वो क्या है हमारे पास, वो है आपकी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, दिस इज फर्स्ट, and x is equal to a by root 2. This is basically a line. The given curve is, ये दोनों है, ये कर्व नहीं है आपका, this is a line. The given curve is and the given line is x is equal to a by root 2. This is. अब मैं जब इसका फिगर बनाऊं यहां पे तो आप समझे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इज अ सर्कल जिसका की सेंटर ओरिजिन होगा एंड उसकी रेडियस है ए। आप बोलेंगे कर्व वन इज अ सर्कल having center 0,0 and radius a, और जिसकी की जो रेडियस है वो a है। तो हम इसका एक रफ स्केच बनाएं। दिस इज द सर्कल। अब ये वाली डिस्टेंस है a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए (0, 0, a, -a, 0 and 0, -a) और वो यहीं पे कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। आप समझो यहां तक डिस्टेंस है a, a बाई रूट टू, ए को हम डिवाइड कर रहे हैं रूट टू से, मतलब a से तो ये कुछ छोटी वैल्यू होगी, हम मान लेते हैं यहां पर है। तो यहां से ये लाइन पास हो गई x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। अब इस लाइन और इस सर्कल के बीच में दो पोर्शन बन रहे हैं, एक तो ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। तो इनमें से जो छोटे वाला पोर्शन है ना वो हमें निकालना है। और आप देखें तो ये थोड़ा सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, जब सर्कल ठीक से बनाएंगे जितना एरिया ऊपर उतना नीचे। तो हम ऊपर वाला एरिया निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। सो यहां पर इसको नाम दे देते हैं हम कुछ O A B C। तो हम पहले निकाल रहे हैं एरिया A B C इज इक्वल टू x है a रूट टू से, a बाई रूट टू से a जा रहे हैं हम, और y ऑफ सर्कल dx, और सर्कल का y आप निकालेंगे तो सिंपल आप देखें x स्क्वायर को इधर ले जाओ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और रूट को इधर ले जाओ y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो y की वैल्यू केवल प्लस लेंगे। तो y ऑफ सर्कल क्या आ गया, a बाई रूट टू से a रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये ए स्क्वेयर बाई टू, सेम टर्म यहां आएगी, प्लस एक्स बाई टू, यहां पे होता है एक्स बाई टू यहाँ पे होता है ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और लिमिट्स हैं आपकी ए बाई रूट 2 से ए। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो जैसे ही आप यहां ए रखोगे ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ये जीरो बन गया प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे तो यहां आएगा ए बाई रूट 2 बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई रूट 2 अपॉन ए अपॉन 1। ए से ए कैंसिल हो गया, यहां पर भी ए से ए कैंसिल हो गया, यहां आ गया ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स 1। साइन 1 होता है पाई बाई 2 पर तो मैं 1 को लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस ये बन जाएगा ए बाई 2 रूट 2 और यहां पे आ गया 2a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर बाई 2 और इसका रूट खोलेंगे तो a बाई रूट 2 ये भी माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन 1 बाई रूट 2 किस पर होता है पाई बाई 4 पर तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 और ये बन गया साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ यहां आया ए स्क्वेयर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस यहां आ गया ए स्क्वेयर बाई 4 माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू पाई बाई 4। आप यहां देखें तो सभी का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर एलसीएम आ गया 8 तो 2 to the 4 से 2 टाइम्स चला गया 2a स्क्वेयर पाई और यहां पे आ गया आपका 2 माइनस का 2a स्क्वेयर और यहां पे आ गया माइनस a स्क्वेयर पाई। 2a स्क्वेयर पाई माइनस a स्क्वेयर पाई इज a स्क्वेयर पाई माइनस 2a स्क्वेयर बाई 8 दोनों के अपॉन में लिख लें। यहां पे आ गया a स्क्वेयर पाई बाई 8 माइनस a स्क्वेयर बाई 4। मैं यहां से a स्क्वेयर बाई 4 कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये तो आ गया हमारे पास ये ऊपर वाला एरिया। मुझे पूरा एरिया निकालना हो तो मैं इसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया। एरिया ऑफ एबीसी कर्व आया है हमारे पास दैट इज ए स्क्वेयर बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 1। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे ए स्क्वेयर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है। तो आप समझे कि केवल ऊपर वाला एरिया निकाल लें उसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपको पूरा एरिया यहां पे मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 34 देखिए शो दैट दी लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हेंस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप जानते हैं कि 3D के अंदर दो लाइन्स सिक्यू लाइन्स होती हैं, जैसे ये दो लाइनें हैं ये आपकी सिक्यू लाइन्स हैं। अब ये कुछ दूरी पर होती हैं आपकी। अब इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम निकालना जानते हैं। अगर मैं कहूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम करते करते जीरो हो जाए तो अब लाइनें कैसी दिख रही हैं आपको इंटरसेक्टिंग दिख रही हैं। मतलब अगर उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि दी लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ये तो कंसेप्ट हो गया उनको इंटरसेक्टिंग दिखाने के लिए। उनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो हम यहां देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस ए वन b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, और इसका मोड ऊपर होता है। तो इनको नाम दें फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद इनकी जनरल फॉर्म के साथ r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। यहां पर अब आप देखें तो a1 हो गया ये, यानी 3i प्लस 2j माइनस 4k एंड b1 वेक्टर हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। a2 वेक्टर हो गया हमारे पास 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप एंड b2 वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें चाहिए a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 हम निकालें तो 5 माइनस 3 इज 2i कैप माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 4j कैप एंड दिस इज प्लस 4k कैप। b1 क्रॉस b2 हम निकालेंगे so this will be i cap j cap k cap b1 1 2 2 b2 के i j और k के coefficient now expanding it along row 1 क्या होगा, यहां होगा i cap, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 12 माइनस 4 माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 माइनस 6, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 6, एट आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 4k कैप। ये आ गया b1 क्रॉस b2। अब मुझे चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी यहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है, तो a2 माइनस a1 वेक्टर यहां पे लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। आप समझो a2 माइनस a1 वेक्टर है हमारे पास, ये रहा 2i माइनस 4j प्लस 4k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 है 8i प्लस 0j माइनस 4k। b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस बनेगा 64 0 16, 2 इंटू 8 इज 16, 0 इंटू माइनस 4 इज 0, माइनस 4 इंटू 4 इज माइनस 16, और नीचे चाहे कुछ भी वैल्यू हो दैट इज 70 रूट 80। ये आ गया 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई, दैट मीन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग तो हो गई, अब उनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। आप समझें कि इसमें और इसमें से लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और i कॉमन ले लो, तो यहां 3 यहां लेमडा, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 प्लस लेमडा आई कैप। यहां 2 प्लस 2 लेमडा दोनों से कॉमन ले लिया जे कैप, माइनस 4 प्लस 2 लेमडा के कैप। और ऐसे ही दूसरी लाइन को लिख लेंगे हम 5 प्लस 3 म्यू आई कैप माइनस 2 प्लस 2 म्यू जे कैप, 0 प्लस 6 म्यू के कैप। अब इस तरीके से आपको लिख लेना है। यहां पर ये जो वैल्यूज हैं ये इन दोनों, ये इस पहली लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये इस दूसरी लाइन पर क्या है, एक किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर दोनों को इक्वल रख देते हैं। जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो हम जानते हैं आई का स्केलर कंपोनेंट आई के स्केलर कंपोनेंट के बराबर होगा, जे का जे के और के का के बराबर होगा। तो यहां से 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 म्यू, इसको इधर ले आए, लेमडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इस दूसरे को कंपेयर करेंगे 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 म्यू, इस 2 को भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए 2 लेमडा माइनस 2 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड। इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से माइनस 4 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 प्लस 6 म्यू, तो 2 लेमडा माइनस 6 म्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज 3। 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब आप किन्हीं भी दो को लेकर के लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लो और वो इस थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और फिर लेमडा की वैल्यू यहां रख दो या म्यू की वैल्यू यहां रख दो, जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। आप चेक करें, ऑन सॉल्विंग लेमडा माइनस 3 म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 लेमडा माइनस 2 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये लेमडा, ये म्यू, ये 1, माइनस 3 इंटू 4 इज माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस, यहां पे आ गया 2 लेमडा माइनस 2 म्यू एंड दिस इज प्लस 4, ओके, दिस इज माइनस 12 एंड ये माइनस का 4, म्यू माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4 और ये हो गया माइनस का 4, माइनस 2 प्लस 6। आप देखें तो लेमडा बाई माइनस 16, म्यू बाई माइनस 8, 1/4। जब इसको इसके बराबर लेंगे तो यहां से आप देखें 4 से 4 यानी लेमडा आ जाएगा माइनस 4 और म्यू आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो लेमडा और म्यू मिल गए, दोनों को आप यहां रख लो, ये हो जाएगा माइनस 8 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 12 माइनस 4, तो ये सेटिस्फाई इसको कर रहे हैं। तो हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल गई। which satisfies 3। ये 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप लेमडा की वैल्यू इनमें रख दो तो पॉइंट मिल जाएगा, म्यू की वैल्यू इनमें रख दो तो पॉइंट मिल जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वो क्या होगा आप देखें तो लेमडा -4 हम यहां रखेंगे। लेमडा की वैल्यू -4 रखी तो यह आ गया -1, यहां रखा तो माइनस का 8 प्लस 2 यानी -6, यहां रखा तो यह हो गया माइनस का 12। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या फिर आप म्यू इज इक्वल टू -2 यहां रखोगे तो जरा देखो, तो म्यू -2 रखोगे, 5 - 6 -1, -4 - 2 -6 एंड -12। तो लैम्डा रख लो या म्यू रख लो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब ये तरीका था वेक्टर का, कार्टेशियन में आ जाए तो भी सेम ही करना है। तो हमें पहले अगर दिखाना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से दिखा दो, और अगर आपसे कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों को इक्वेट कर लो, लैम्डा म्यू में इक्वेशंस बनाओ, उन्हें सॉल्व करो और वैल्यू रखते ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 34 के और वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है, ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट पी विद पोजीशन वेक्टर। आप समझें, एक पॉइंट है दैट इज पी, उसके पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं, और एक लाइन है सम बी सी जो किसी ए पॉइंट से पास करती है। तो मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, तो उसका तरीका तो यही होगा कि पी के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास हैं, मैं इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल दूं और फिर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा और सिंपल काम हो जाएगा। तो पहले तो मुझे इस बी सी की इक्वेशन चाहिए, तो हम लिखेंगे लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है, वो पास हो रही है 4i कैप + 2j कैप + 2k कैप and parallel to the vector, और वो किस वेक्टर के पैरेलल है, that is i + 2j + 3k कैप। इससे पास हो रही है और इसके पैरेलल है, और हमारी लाइन यदि a वेक्टर से पास हो रही हो और b वेक्टर के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन होती है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। दिस इज, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू 4i + 2j + 2k + लैम्डा इंटू i कैप + 2j कैप + 3k कैप। और अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो आई रिकमेंड हम इसे आपका कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या हो जाएगी जरा देखिए, x - 4 y - 2 z - 2 upon 1, 2, 3। और इसको आप सम लैम्डा के बराबर मानेंगे तो इधर 1 जाएगा लैम्डा और ये जाके प्लस का, x = λ + 4, y = 2λ + 2 z is equal to 3 lambda plus 2, be the coordinates। ये इस लाइन बी सी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन बी सी। ये इस लाइन बी सी पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम बोलेंगे कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा हम ये मान लेते हैं कि ये इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, बिकॉज Q इज आल्सो लाइंग ऑन द लाइन। सो हम बोलेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पहले से हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ P 1 2 3। अगर हमारे पास दो पॉइंट हों x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो इस लाइन के drs होते हैं x2 minus x1 y2 minus y1, z2 minus z1। तो सिमिलरली हम PQ लाइन के drs निकाल सकते हैं। सो द drs ऑफ लाइन PQ वो क्या हो जाएंगे? λ + 4 - 1, यानी ये हो गया λ + 3, 2 λ + 2 - 2, ये बचेगा 2 लैम्डा, 3 λ + 2 - 3 हो गया 3 λ - 1। और इस BC के drs हमारे पास क्या हैं? drs ऑफ BC हैं 1 2 3। अब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके drs के प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 होता है। हम बोलेंगे सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, सो देयरफॉर यहां पे होगा 1 into lambda plus 3 plus 2 into 2 lambda plus 3 into 3 lambda minus 1 is equal to 0। यहाँ पे आ गया λ + 3 + 4 लैम्डा + 9 लैम्डा minus 3। दिस इज बिकमिंग 9 + 4 3, दिस 14 लैम्डा, एंड दिस इज 0 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहां से लैम्डा मिल गया 0। अब अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहां रख दूं तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, या फिर इसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का भी यही तरीका है। तो हम कह दें कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, or I must say the foot of perpendicular, वो क्या आएंगे जरा देखिए। यहां रखेंगे λ 0, तो ये हो गया 4, यह हो गया 2 और ये हो गया 2। दिस इज 4 2 2। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि PQ लेंथ निकाल दो। ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन बन गया, सीधा लेंथ का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सो PQ लेंथ PQ इज इक्वल टू वो होगा 4 - 1 का स्क्वायर + 2 - 2 का स्क्वायर + 2 - 3 का स्क्वायर, और यहां पे आएगा 3 का स्क्वायर इज 9, दिस इज 0, -1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज √10 यूनिट। तो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ गई? दैट इज √10 यूनिट्स। तो एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, बट थोड़ा लॉजिकल सोचना था। पहले आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। अब तक आपको क्या करता था? सीधा इक्वेशन देता था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया। बट नाउ दिस टाइम उसने क्वेश्चन को थोड़ा ये कहते पजल कर दिया कि पहले आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ी, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ा, और फिर आपको वो लेंथ यहां बाई डिस्टेंस फार्मूला मिल गई है।